आदेश श्री महाकाले नमः। तो आज एक प्रश्न मेरे आगे बार बार आ रहा था, मतलब कि काफी समय से एक ही प्रश्न था कि जो हम भैरव देव की मूर्ति स्थापित नहीं कर पाते तो उस बीच में हम क्या करें। तो ये चीज़ काफी ज्यादा वो थी कि हम इसे कैसे संभव कर सकते हैं, इस चीज़ को कि भैरव देव की मूर्ति नहीं मिल रही है या फिर भैरव जी की पूजा हम कैसे करें। तो इसके लिए भैरव तंत्र में एक बहुत सुंदर चीज़ आई थी कि जो भैरव देव की मूर्ति नहीं स्थापित कर सकते वो भैरव देव के नाम से एक लोहो का त्रिशूल, यानी लोहे का एक त्रिशूल घर में स्थापित कर ले। खैर, लोहे के त्रिशूल पे हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। अभी के में हम भैरव देव की मूर्ति के विषय में एक बात करते हैं कि भैरव देव की मूर्ति नहीं स्थापित कर सकते तो उस बीच में हम क्या करें। तो आपको एक काम करना है कि आपको एक तिकोना पत्थर लेना है। पत्थर जैसे कि लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बता दिया तिकोना पत्थर लेना है कि लोग टाइल का टुकड़ा ले आएंगे। नहीं, टाइल का या सीमेंट का टुकड़ा नहीं लेना है आपको, या तो कोई मार्बल का टुकड़ा लेना है या फिर किसी ठोस पत्थर का, यानी जो प्राकृतिक रूप से पत्थर बना है उसका एक तिकोना पत्थर लेना है, या फिर आप उस एक नॉर्मल पत्थर को तिकोना कटवा लीजिए, तीन तीन कोणों वाले शेप में, त्रिकोण शेप में कटवा लीजिए, ट्रायंगल की शेप में। और उस पत्थर को आपको सिंदूर, यानी जो हनुमान जी पे जो सिंदूर लगता है, जो आपने देखा होगा हनुमान जी के मंदिरों में भगवान जी को सिंदूर लगता है, तो आपको उसे देसी घी में मिलाकर उस तिकोने पत्थर पर, इन तीन कोने वाले पत्थर पर उस सिंदूर का लेप करना है। इससे क्या होगा कि जो वो भैरव देव का एक मूर्तिमान स्वरूप माना जाएगा। तो आपको सर्वप्रथम एक चीज करनी है कि आपको पत्थर लेना है, ढूंढना है वह पत्थर, या तो वो संगमरमर का हो, व्हाइट मार्बल हो, ब्लैक मार्बल हो, या नेचुरल स्टोन हो, या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो या तो प्लास्टिक का ना हो। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप टाइल का तिकोना पत्थर ले लीजिए, जो टाइल होती है उसका तिकोन पत्थर, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो। इसके अलावा अगर टाइल से भी ज़्यादा बेस्ट है ईंट का, आप ईंट ले लीजिए। अगर आपको नॉर्मल एक प्राकृतिक रूप से पत्थर जो बना हुआ होते हैं, गोल पत्थर या फिर व्हाइट मार्बल के पत्थर या फिर ब्लैक मार्बल के पत्थर नहीं मिल रहे, तो आप ईंट का तिकोना पत्थर लीजिए। टाइल का अवॉइड कीजिए जितना हो सके। अगर आपको ये तीनों चीज़ नहीं मिलती तो आप टाइल लीजिए। तो आपको ये लाना है एक दिन काला, इसके तिथि बता देता हूँ, कालाष्टमी। कालाष्टमी आती है जो अंधियारा पाक होता है, यानी कृष्ण पक्ष होता है, उस तिथि में आपको ये पत्थर लेकर आना है। और उस तिथि की उस रात को, यानी कालाष्टमी की रात को या फिर अमावस्या की रात को, इस पत्थर को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः का लगातार आपको जाप करते रहना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि उस पत्थर को, उससे पहले आपको एक साइड उनके यानी राइट साइड घी का दीपक, लेफ्ट साइड सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और उस पत्थर को स्नान कराना है गंगा जल से। और अगर पॉसिबल आपके यहाँ शराब चढ़ती है तो शराब से उसको स्नान अवश्य कराइएगा। और अगर आपको स्नान शराब से नहीं करा सकते तो आप दूध, दही, गुड़, इन सब से चीज़ों से स्नान कराएं, और पंचामृत से स्नान कराएं। सबसे पहले पंचगव्य से उसे शुद्ध कर लीजिए। पंचगव्य क्या होता है कि जो उसमें गौमूत्र और मिला दिया जाता है, तो पंचगव्य से स्नान करा लीजिए। और या फिर आप पंचगव्य से नहीं करा सकते तो गौमूत्र से उसे स्नान करा दीजिए। गौमूत्र से स्नान कराने के बाद ही उसका पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए कि शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर नॉर्मल मदिरा से, फिर मदिरा के बाद शुद्ध जल से, फिर उसका लेप किया जाता है सिंदूर से। कच्चा जो सिंदूर आता है, यानी ऑरेंज वाला सिंदूर जो आता है, हनुमान जी को लगता है बंधुआ सिंदूर भी जिसे बोला जाता है, तो उस सिंदूर को आपको उसका लेप करना है। इसके बाद भगवान जो भैरव देव हैं उनका उसके अंदर आवाहन करना है। तो आवाहन की प्रक्रिया में आपको ये दो उंगलियों का इस्तेमाल करना है। आप देख पा रहे होंगे, एक ये और एक ये, इन दो उंगलियों से उसको ऐसे टच करना है, मतलब हाथ में ऐसे लेना है, या फिर हाथ में लेने के बाद अंगूठे को उसके आगे लगाकर और उसके ऊपर ऐसे, जैसे यहाँ पे पत्थर हुआ और उसके ऊपर ऐसे लगाकर आह्वान करना है कि मैं इसके अंदर प्राण रूपी अग्नि का आह्वान करता हूँ, उसके बाद इसमें जीव रूपी अग्नि का आह्वान करता हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर भैरव देव के प्राण रूपी अग्नि का आह्वान करता हूँ, वह अपने शांत स्वरूप में आके हमारे सारे अपूर्ण कार्य को पूर्ण करे। ऐसा आपको करना है। फिर इसके बाद भगवान को पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए। भोग में पेड़ा, पान, ये दो चीज़ों का भोग लगता है, रोट का भोग लगता है भैरव देव को, इन चीज़ों का भोग लगाए। और अगर आप शराब चढ़ा सकते हो शराब चढ़ाइए, शराब कोई से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा शराब नहीं चढ़ा सकते तो एक और चीज़ है कि आपको वहाँ पर एक काम करना है, एक कांसे का बर्तन लेना है, उसके अंदर गुड़ और दूध को मिक्स करना है, तो वह सात्वी की मदिरा मानी जाती है। इस मदिरा को हम बाद में बताऊंगा, आपको ऐसे करके वो भोग लगा देना है। इसके बाद आपको भैरव देव की आरती करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप इस पिंडी
रूप में, त्रिकोण पत्थर के त्रिकोण पिंडी रूप में विराजमान हो जाइए त्रिशक्ति के साथ, क्योंकि भैरव देव तीनों रूपों में विराजमान है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो वह उस रूप में वहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो आप उन्हें भैरव देव की मूर्ति समझ ही पूजा कीजिए, जैसे मर्जी पूजा कर सकते हैं करिए, इससे भैरव देव अवश्य प्रसन्न होंगे। इस तरीके से और भी चीज़ें हैं भैरव देव की पूजा से रिलेटेड, हवन से रिलेटेड। आप इसको जैसे ये आपने सिंदूर का चोला चढ़ाया था, उसके बाद आप उसमें नेत्र भी लगा सकते हैं, जो आते हैं आर्टिफिशियल नेत्र देखे होंगे आपने, चांदी के नेत्र लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हर कालाष्टमी यानी कृष्ण पक्ष यानी अंधियारे पाक की जो अष्टमी तिथि आती है उसे कालाष्टमी बोला जाता है, उस रात को भैरव देव को चोला चढ़ा सकते हैं। चोला का मत अर्थ है कि जो सिंदूर और घी को मिला के बनाया जाता है वो चोला। इसके अलावा आप पुष्प उन्हें चढ़ाइए, इस तरीके से उनका पूजन पूर्ण हो जाता है। इस तरीके से आप उनकी पिंडी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। अभी जैसे कि नवरात्रि आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से भैरव देव की पिंडी को घर में स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्रोसीजर है जो हमारे तंत्र ग्रंथों में बताया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जिससे ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर मैं ज्ञान को अपने तक सीमित कर लेता तो आप तक कैसे पहुँचता। इसी मंशा से कि मैंने आपको दिया, आप इसे दूसरों को पहुँचाएंगे, जिससे लोग आगे की चीज़ें जान पाए कि कैसे कैसे हम चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल पुरुष अपनी जो ही कहते हैं ना कि अपने धार्मिक चीज़ों से काफ़ी दूर हट गए हैं। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय भैरव देव।